नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका इतिहास का पहला अध्याय अपने कर रहे थे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमने अतीत के बारे में, अतीत में क्या था, जो बीता हुआ समय था उसका इतिहास पढ़ा, ठीक है, वो समय कब से कब तक था ये बात जानी। इसके बाद में आज का अपना प्रश्न है कहाँ, यानी अतीत में लोगों का जीवन कैसा था, लोग कहाँ रहा करते थे, लोगों की जो जीविकोपार्जन की क्रिया थी वो किस प्रकार की थी, ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इन तथ्यों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन जो हमारी सभ्यता है वो प्राचीन काल में सिंधु सरस्वती नदियाँ नदी के आसपास इर्द गिर्द थी। सिंधु सरस्वती की अनेक जो सहायक नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे ही अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, और उन्हीं सभ्यताओं के जो लोग थे उनके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी, जो कि भारत के मध्य भाग में जो नर्मदा नदी थी, और इस नर्मदा नदी के तट पर क्या है, लोग रहा करते थे, यानी अतीत के अंदर जो बीता हुआ समय था उस समय कई लाख वर्ष पहले की बात है, जब लोग क्या हैं, उसकी जो सहायक नदी थी नर्मदा नदी, उस नदी के तट, तट कहते हैं किनारे, ठीक है, तो उसके किनारे पे क्या है, एक सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ पर लोग रहा करते थे। और ये लोग क्या काम किया करते थे, संग्राहक थे, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी इनको एकत्रित करने का काम किया करते थे। और ये लोग क्या हैं, जो वहाँ पे जंगल होते थे, वनस्पतियाँ होती थी, पेड़ पौधे होते थे, उनसे ये लोग क्या होते थे, परिचित होते थे। और भोजन के रूप में जंगलों से जैसे जड़ें एकत्रित करना, फल एकत्रित करना, जंगल के अन्य जो उत्पाद होते थे उनका संग्रह करते थे। संग्रह का अर्थ होता है एकत्रित करना, तो इनको एकत्रित करने करते थे और अपने जीवन में इनको काम में लेते थे। जानवरों का आखेट करना, आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, आखेट क्या होता है, शिकार करना। तो ये प्राचीन काल के जो लोग थे वो क्या किया करते थे, शिकार करते थे। और भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर भारत का जो ये वाला भाग, उत्तर और पश्चिम, पश्चिम के अंदर क्या था, सुलेमान और किर्थर, उत्तर के अंदर आ गया सुलेमान, सुलेमान पहाड़ियां थी उत्तर में, और किर्थर जो पहाड़ियां, किर्थर नामक जो पहाड़ियां थी वो क्या थी, पश्चिम में थी। तो इन पहाड़ियों में जहां लगभग क्या है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने गेहूं की खेती, यानी गेहूं का जो कार्य था, गेहूं उत्पादित करना कहाँ शुरू हुआ, भारत के उत्तर और पश्चिम में, यानी उत्तर में तो सुलेमान नाम, क्योंकि उत्तर के अंदर पर्वत है, अनेक पर्वत है जिसमें से पर्वत का नाम है सुलेमान, दूसरा पश्चिम में पर्वत है उसका नाम है किर्थर, इन पहाड़ियों के बीच में, ठीक है। सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने कौन सी फसल का उत्पादन शुरू किया था, गेहूं की फसल का उत्पादन किया था, और इसके साथ एक जौ की जो फसल होती है उसका उत्पादन करना भी इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में उत्तर और पूर्व की बात करें, ये उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में यहाँ पे क्या है, गारो नाम की पहाड़ियाँ थी, कौन सी, गारो नाम की पहाड़ियाँ थी, और मध्य भारत के अंदर विंध्य पहाड़ियाँ, ये जो मध्य भारत है यहाँ पे कौन सी थी, विंध्य पहाड़ियाँ। तो उत्तर भारत, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व के अंदर हो गई ये, और उत्तर मध्य के अंदर हो गई, मध्य जो भारत है उसके अंदर हो गई विंध्य पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ियों में क्या है, सबसे पहले कौन सी खेती की जाने लगी थी, चावल की खेती की जाने लगी थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अतीत के अंदर जो बीता हुआ समय था, ठीक है, इतिहास में बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। सिंधु नदी के तट पर क्या है, अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, और सिंधु सरस्वती नदी की अनेक जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, भारत के अंदर जो फैली हुई है उनमें से एक नर्मदा नदी थी। तो अपने आप के सिलेबस में नर्मदा नदी के तट के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ अतीत में, ठीक है, जिन लोगों ने अपना जीवन जीना शुरू किया, अपने जीवन की शुरुआत की,
तो उस शुरुआत के बारे में हमने जाना। तो उस समय क्या है, कई लाख वर्ष पहले लोग क्या है नर्मदा नदी के तट यानी किनारे पर रहना इन्होंने शुरू किया। आरंभ में ये क्या काम करते थे, ये लोग जो प्राचीन समय के जो लोग थे वो आरंभिक लोग क्या थे, संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब एकत्रित, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं, ठीक है, जो भी पदार्थ इन्हें प्राप्त होते थे उनको एकत्रित करने का काम करते थे और अपना जीवन जीने के लिए, ठीक है, अपने लिए वो उनको उपयोगी इन्होंने बनाया। क्यों, क्योंकि ये जो जंगलों में रहा करते थे और जंगलों से ये अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए जंगलों से प्राप्त क्या हैं, जड़ें हैं, फल हैं, जंगल के अन्य जो उत्पाद हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करते थे। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर में सुलेमान और पश्चिम में किर्थर नाम की जो पहाड़ियां हैं वहां सबसे पहले इन लोगों ने क्या है जो कृषि कार्य करना शुरू किया। इन्होंने गेहूं की फसल को बोना शुरू किया, इसके बाद इसके साथ जौ की फसल को बोना भी इन्होंने शुरुआत कर दिया था। उत्तर पूर्व में बात करें तो उत्तर के अंदर, उत्तर पूर्व में ये जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व के अंदर क्या है, गारो नाम की जो पहाड़ियां थी, क्या थी, गारो नाम की जो पहाड़ियां थी उत्तर पूर्व के अंदर वहां पे, और भारत के मध्य भाग में विंध्य पहाड़ियां थी, ठीक है। तो इन पहाड़ियों के बीच में इन्होंने क्या किया, चावल बोना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अतीत के जो लोग थे, ठीक है, जिनका जो उद्भव हुआ नर्मदा नदी के तट के किनारे लाखों वर्ष पहले, तो ये इन लोगों ने अपने जीवन जीने की जो शुरुआत है वो किस प्रकार की और इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया, प्रकृति द्वारा पदार्थ जो मिले, वस्तुएं मिली, उनका इन्होंने अपने जीवन में कैसे उपयोग किया, ठीक है, इन सब बातों को हमने पढ़ा और इसके बाद में नेक्स्ट कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।